अभी आज पेस्टेड आईसी खोलने के बाद किस किस का आईसी सही है? आपने चेक किया? यस सर। किस किस ने चेक किया? सबने। सबने? यस सर। ठीक है, आईसी ओके है? यस सर। ठीक है, रिस्टार्ट में है, सपोज लोगों में है, लोगो रिस्टार्ट में। तो फोन आया, आने के बाद खोला, मारा थी ना ब्रश, मारा वॉश किया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ नहीं, ऐसे नहीं करने का। ठीक है, फोन आया, खोलने का सबसे पहले होगा, हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। लोगो रिस्टार्ट, अपडेट के बाद टच बंद, बजाना बंद, अपडेट के बाद डेट हो गया है, क्लैश करने के बाद डेट हो गया है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है ना मार्केट में। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करना, पूरी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है कि सर फोन आया, जैसे ये फोन लोगो रिस्टार्ट में है, सपोज लोगो में है, लोगो रिस्टार्ट में। तो फोन आया, आने के बाद खोला, मारा थी ना ब्रश, मारा वॉश किया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ नहीं, ऐसे नहीं करने का। ठीक है, फोन आया, खोलने का सबसे पहले होगा आई स्कैन। आई स्कैन में क्या है कि सर वाटर डैमेज, ये डैमेज ये नहीं, ये तो मामूली चीज है, ये वाटर डैमेज है या नहीं है, बोर्ड बैंड है या नहीं है, ये तो मामूली चीज है कि सर ड्रॉप डाउन है, मैं जानता हूँ ड्रॉप डाउन की ऐसे तो सर हो सकता है कहीं पर भी ट्रक में, मैं जानता हूँ वाटर डैमेज है तो कहीं पर भी शॉर्टिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब फ्रेश बोर्ड है तो इस प्रॉब्लम में आया मेरे पास, जैसे ये फोन एकदम फ्रेश, बिल्कुल ना वाटर डैमेज है ना कुछ। अब मुझे सबसे पहले आई स्कैन करना है, क्या करना है? आई स्कैन। आई स्कैन में क्या करना है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। देख, आई स्कैन में मुझे आ जाना है सीपीयू के पास। किसके पास आना? सीपीयू के पास। सीपीयू के पास बैठ, क्या हुआ? सीपीयू के पास आना है। किसके पास आना है? सीपीयू के पास। जैसे जनरली मैं जानता हूँ, जैसे ये फोन है और इस फोन में मैं बात करूँ जो सीपीयू लगा है, मैं देखना चाहता हूँ इसमें कौन सा सीपीयू लगा है, और आप लोग पता भी दोगे कि कौन सा सीपीयू लगा है, देखना चाहता। जैसे इसमें जो सीपीयू है, कौन सा सीपीयू? अच्छा, सीपीयू मीडिया टेक है। यहाँ पे क्वालकॉम होता तो एमएसएम या एसडीएम लिखा होता, एसपीडी होता तो एसपीडी लिखा होता, एक्साइनोस होता तो एक्साइनोस या तो फिर सैमसंग लिखा होता। क्या लिखा होता? एक्साइनोस सीपीयू होता तो एक्साइनोस लिखा होता या तो फिर सैमसंग। Exynos CPU only for Samsung की फोन में आता है। Exynos लिखा हो सकता है? Samsung। समझ गया? अब एक फोन है CPU के ऊपर, देखो उसका खुद का नाम लिखा है, लेकिन CPU के ऊपर उसका ब्रांड का नाम लिखा है, इसका मतलब CPU के ऊपर उसका ब्रांड का नाम लिखा है। अब मैं एक दूसरा फोन लेता हूँ, देखो इसमें देखो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, SEC कुछ लिखा है, देखो। यस सर। सैमसंग का है सर। तो क्या सीपीयू के ऊपर इस तरीके से लिखा होता है क्या? नहीं सर। सीपीयू के ऊपर इस तरीके से लिखा नहीं होता है। सीपीयू के ऊपर लिखा होता है या तो फिर सैमसंग का पूरा सैमसंग लिखा होगा, पूरा का पूरा सैमसंग, इस तरीके से के फे से नहीं लिखा होगा, जैसे A12 में होता है। जैसे देखो कि आप A12 की दो सीपीयू आता है, उसमें मीडिया टेक सीपीयू वाला आता है, एक एक्साइनोस सीपीयू वाला आता है सैमसंग के A12। तो उसमें देखो कि पूरे की पूरे क्या लिखा हुआ है, सैमसंग, या तो फिर क्वालकॉम है। जैसे दूसरा एक बोर्ड लिखा था ये वाला, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वालकॉम MSN, मतलब ये क्वालकॉम की सीपीयू। तो डिफरेंट क्या है इस दोनों में कि सर एक बोर्ड मैंने देखा जिस बोर्ड के ऊपर सर क्या लिखा हुआ है, सीपीयू का, एक बोर्ड के ऊपर सीपीयू का बोर्ड का नाम लिखा हुआ, सीपीयू का ब्रांड, सीपीयू का ब्रांड का नाम लिखा, एक बोर्ड के ऊपर सीपीयू के ब्रांड के ऊपर नाम नहीं लिखा है।
है ना, तो दोनों में डिफरेंट है। सर सीधी सी बात है, जिस सीपीयू के ऊपर लगन सर कहाँ गए? लाइव लाइव ले लीजिए, एक लोगों को रोक ले रहे हैं हम किसी को, एक सेकंड रुक जाओ। इधर तो मालूम है बॉडी नहीं है। राम सर दीपक अभी निकालना, हाँ क्या हुआ बताओ, हाँ कटिंग कर रहा निकाल रहा, कटिंग हो गया ठीक है, पैसा भी पता है लाइव कटिंग में के साथ इनको ब्लैक पेस्ट से भी काम करने का तरीका बताया गया है।
चलिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ब्लैक पे काम कर रहे हैं, इनको देखते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें दिखाई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिलन और आज हमारी EMMC की क्लास की day 1 की क्लास है। आपकी सॉफ्टवेयर में सारा सेक्शन कम्प्लीट हुआ है, ठीक है। आज आप लोग क्या किए हो, क्या कौन सी सेक्शन था? ब्लैक पेस्टर। EMMC के बारे में। अरे मुझे बताओ कौन कौन से किसने पेस्टर आईसी पहली बार खोले? पहली बार? यस सर। इससे पहले कभी खोले थे क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये कि आज पेस्टेड आईसी खोलने के बाद किस किस का आईसी सही है? आपने चेक किया? यस सर। किस किस ने चेक किया? सबने। सबने? यस सर। ठीक है, आईसी ओके है? यस सर। ठीक है, EMMC के बारे में पूरी जानकारी आपको मिला? हाँ सर। कौन सा EMMC है, कौन सा UFS है? अगर UFS है अपडेट के बाद डेड हुआ है तो क्या करना है? अगर EMMC है तो अपडेट के बाद डेड हुआ है तो क्या करना है? अगर आपकी IC खराब है तो कैसे पहचानोगे? ये सारी चीज क्लियर है आपकी? यस सर। डबल डेकर कैसे पहचानना है ये क्लियर है? यस सर। कंफ्यूज तो नहीं होगे? यस सर। कि सर इसमें डबल डेकर है, इसमें डबल डेकर नहीं है? नहीं नहीं। समझ में आ रही है? यस सर। हाँ तो ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे कि पेस्टेड आईसी खोलना आसान है कि नहीं? यस सर। किस किस के लिए आसान है? आसान है? यस सर। सर पेस्टेड आईसी तो अभी हमने क्यों एक तरीका सीखा है, अभी तो बहुत सारे तरीका बाकी है। अच्छा मुझे बताओ बोर्ड दिखाओ ना जरा सर, कौन कौन सी पेस्टेड आईसी खोले हो, कौन किस किस में पेस्टेड आईसी? ये देख सकते हैं, ये तो वीवो के बोर्ड है, ये देख सकते हैं, ये दिखाओ जरा। ओप्पो का बोर्ड है, ये रेडमी का बोर्ड है, दिखाओ जरा सब खोल के देखो। कोई प्रिंट डैमेज वगैरह हुआ है क्या? नहीं सर। दिखाओ जरा, ये देख सकते हैं ये सारे जितने भी प्रिंट डैमेज है वो सारे क्या है? NC है सर। क्या है? NC है। अब आपको पता है कौन सा NC है? यस सर। पता है कि नहीं? यस सर। तो भाई क्लास कैसा रहा? बहुत बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा पूछूंगा जैसे इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है, पंजाब से हूँ। सुनील जी कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब से। बताइए आज की क्लास कैसा रहा? बढ़िया रही, मस्त रही सर। मस्त रही की सर, EMMC के बारे में जानकारी मिली? पूरी मिली। पेस्टेड आईसी खोलना आया? हलवा बनाया सर आज। आप भी तो 1-2-3 घंटे काम किए? हाँ सर। अभी तो पेस्टेड आईसी में? Yes, अभी तो पूरा दिन बाकी है, पूरा क्लास बाकी है। Yes, जब तक आप पेस्टेड आईसी खत्म करेंगे ना? Yes, तो पेस्टेड आईसी आपको लगेगा नहीं वो पेस्टेड है? नॉर्मल आईसी से ज्यादा खोलने में आसान लगेगा पेस्टेड आईसी। Yes, है ना? ठीक है, अभी आपने आईसी को भी चेक किया, आईसी सही है कि नहीं है? हाँ, चेकिंग किया सर, UFI में चेकिंग किया। UFI की तो इन्फॉर्मेशन आपने आज पढ़ा नहीं है, फिर भी आप UFI की जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे दिया जाएगा। ठीक है, तो day 1 की क्लास में आपको क्या फील हो रहा है, क्या आगे क्या मिलने वाला? सर day 1 में इतना मिल गया तो आगे तो मिलेगा ही ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुआ है हमारी क्लास। हाँ, सर। अच्छा मुझे, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि हार्डवेयर कैसा रहा आपका? बढ़िया। देव सर के साथ बढ़िया रहा सर। बढ़िया रहा। हाँ सर। मैं पूछना चाहता हूँ कि हार्डवेयर के बाद हार्डवेयर में सारे एक चीज प्रैक्टिकल हुआ? थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ दूसरे दुर्गेश सर के साथ, आपने सॉफ्टवेयर किया? यस सर। सॉफ्टवेयर में कैसा रहा? बहुत मस्त रहा सर, बहुत मस्त सॉफ्टवेयर तो बहुत मस्त रहा। बहुत मस्त है। अभी तो आपने EMMC की day 1 क्लास शुरुआत हुआ है, आपके साथ भी वैसे हुआ जैसे दुर्गेश सर के साथ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सबके साथ सेम होता है। और हमारी जो टीम कैसा है? टीम वर्क अच्छा सर, टीम वर्क अच्छा काम करने में। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आने वाले के लिए यही बोलेंगे, रास्ते एशियन टेलीकॉम के रास्ते हर वक्त खुले, लेकिन आए वही जो मेहनत करना चाहता है सर। बाकी मैं ज़्यादा किसी से पूछूंगा नहीं, क्योंकि आज हमारी day 1 की क्लास है, हमने ज़्यादा जानकारी नहीं लिए है, बेसिक की जानकारी लिए है। मैं पूछूंगा जब 3 दिन की क्लास होगा, जब हमारी जो फ़ोन जमा की है, आप लोग कम से कम 35 फ़ोन जमा किए हैं, ये सारे फोन जब बनना रेट शुरुआत होगा तब सबसे मैं पूछूंगा। ठीक है ना? जी सर। तो अभी के लिए इतना है और सबसे गुड नाइट। यस सर, गुड नाइट सर। थैंक यू।
तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। टी सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं, आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल टेकर सीपीयू कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने किया? सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल टेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? हमने डबल टेकर किया सर। डबल टेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? डबल टेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल टेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू। और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल टेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट